हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी, जो कि है मीठी टिकिया की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, आसान तरीके से और बिना झंझट के बना सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके साथ मीठी टिकिया की रेसिपी शेयर कर रही हूं और बराबर मेजरमेंट भी शेयर कर रही हूं। दोस्तों, ये 1 किलो की मीठी टिकिया है। ये हम लोग रजब के महीने में बनाते हैं, यानी कुंडे के महीने में बनाते हैं। बहुत सारे लोग इसको घर में बनाकर रख लेते हैं और स्नैक्स के तौर पर खाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली हूँ 500 ग्राम घी, 200 ग्राम रवा और 1 किलो तेल, 100 ग्राम सफ़ेद तिल, 50 ग्राम कद्दूकस किया हुआ खोपरा, आधा केजी शक्कर ले ली हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ली हूँ 1 किलो मैदा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही सामान ली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने रवे को अच्छे तरीके से छान के इसको साइड में निकाल ली हूँ। अब मैं इसके अंदर हमारा मैदा जो है छान कर डाल रही हूँ। मैदे और रवे को अच्छे तरीके से हम लोग पहले मिक्स कर लेंगे। अब मैं एक कढ़ाई में या किसी टोप में घी को गरम करूंगी। गरम करने से हमारा जो घी है वो पिघल जाएगा। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम तिल ली हूँ सफ़ेद वाली। इसको अच्छी तरीके से मैं चुन कर भून लूँगी पहले। यहाँ पे मेरा घी जो है मेल्ट हो चुका है, जिसे हम डालडा भी कहते हैं। मैदे और रवे के मिश्रण में हमें फिर तिल ऐड कर देना है। कद्दूकस किया हुआ खोपरा भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और दोनों हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी आधा किलो जो शक्कर है, इसको हम अच्छे तरीके से बारीक बारीक मिक्सर में पीस लेंगे। यहाँ पर मेरा बर्तन छोटा पड़ रहा था, आपको चाहिए तो आप बड़ा बर्तन ले सकते हैं। इस वजह से मैंने 2 थाले में ले ली हूँ। शक्कर को ऐड कर दी हूँ। पिसी हुई शक्कर को ऐड करने के बाद 2 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर यहाँ पर मैंने हमारा पिघला हुआ घी जो है उसको ऐड करना है। अच्छे तरीके से उसे दोनों हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। अगर आपको चाहिए तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप हल्के गुनगुने दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगता है आटा गूंदने में। आटे को हमें थोड़ा कड़क गूंदना है, फिर उसे हमें 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर मैंने आपको दिखा रही हूँ, गोल गोल लोहा बना के उसको बेल लेना है, फिर उसे ग्लास की मदद से कट कर लेना है। एक बार में कम से कम 5 से 6 टिकिया बन जाएगी। हमें आटा को ज़्यादा गीला नहीं करना है। अगर आप आटा ज़्यादा गीला कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा आपको कड़क ही आटा रखना है। आप चाहे तो आप इसे एक साथ काट कर रख सकते हैं, फिर इसको तल सकते हैं, या तो फिर काटिए और फिर आप इसको तलते जाइए, बनाते जाइए। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, तेल को गरम कर दी हूँ। अब मैं इसके अंदर टिकिया ऐड कर रही हूँ। इसे आपको अच्छे तरीके से स्लो फास्ट कर भूनना है, जब तक ये हल्की रेड नहीं हो जाती। ज़्यादा नहीं जलाना है वरना इसका टेस्ट बदल जाएगा, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी सी लगने लगेगी। यहाँ पर हमारी टिकिया बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको 1 से 1.5 महीना रखकर खा सकते हैं। ये बिना ख़राब हुए कंटेंट रह सकती है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।